क्या आपको पता है कि दवाइयों के पत्तों पर लाल रंग की पट्टी क्यों बनी होती है और टूथपेस्ट के ट्यूब पर बनी अलग अलग रंग की पट्टियों का क्या मतलब होता है? चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दवाइयों के पत्तों पर ये लाल रंग की पट्टी क्यों बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बीमारी की दवाई खरीद लेते हैं। इससे कभी कभी तो बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो शायद आपको पता होगा कि दवाइयों के पत्तों पर लाल रंग की पट्टी बनी होती है, तो उस लाल पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए दवाइयों पर ये लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि टूथपेस्ट के ट्यूब पर ये बनी अलग अलग रंग की पट्टियों का मतलब क्या होता है। अगर आपके टूथपेस्ट पर काले रंग का मार्क है तो इसका मतलब है कि उस टूथपेस्ट में ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिलाया हुआ है। अगर आपके टूथपेस्ट पर नीले रंग का मार्क है तो इसका मतलब है कि उस टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीज़ों के साथ मेडिसिन चीज़ों का भी प्रयोग किया गया है। अगर आपके टूथपेस्ट पर लाल रंग का मार्क है तो इसका मतलब है कि उस टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीज़ों के साथ केमिकल भी मिलाया गया है। और अगर आपके टूथपेस्ट पर हरे रंग का मार्क है तो इसका मतलब है कि उस टूथपेस्ट में केवल प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया गया है, यानी उस टूथपेस्ट में ना तो केमिकल और ना ही मेडिसिन का उपयोग किया गया है। वह टूथपेस्ट 100% प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया गया है।